यूं तो बनारस से हम लोगों का जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन समय के अभाव ने हमें मजबूर कर दिया। बनारस के बाद हम लोग निकल रहे हैं अपने राज्य बिहार। बनारस आकर बहुत अच्छा लगा और यह एक खूबसूरत शहर है उत्तर प्रदेश का। तो चलिए मिलते हैं बिहार की राजधानी पटना में। दोस्तों, मैं अभी हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। पहले इसका नाम था मुगलसराय जंक्शन, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। और मैं चूँकि मैं बनारस से अब पटना जा रहा हूँ, फिर पटना के रास्ते में भागलपुर जाऊँगा जो कि मेरा अपना घर पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ मुगलसराय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर हूँ। ये देखिए स्टेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं बिहार की राजधानी पटना में। पटना बिहार राज्य का सबसे खूबसूरत शहर और राजधानी है। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर भी है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर भी था। तो चलिए मिलते हैं गांधी मैदान में, जहां मैं वहां का इतिहास आप लोगों को बताऊंगा और वहां का मनोरम दृश्य भी दिखाऊंगा। हम लोगों ने छोले भटूरे खा लिया पटना में। अब चाय, यहाँ चाय बन गया, अब हम लोग चाय पियेंगे कुल्हड़ में। और ये कुल्हड़ वाली चाय रेडी है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी पटना में हूँ और गांधी मैदान में रेस्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे पापा भी रेस्ट कर रहे हैं। पटना का गांधी मैदान बहुत ही बड़ा मैदान है और यहाँ कई तरह के आयोजन टूर्नामेंट्स यहाँ होते ही रहते हैं। और मेरे पापा मेरे साथ में हैं, घूमने आए हैं इनके साथ। मेरे साथ घूमने के लिए आए हैं मेरे पापा। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। यहाँ पर महात्मा गांधी की विश्व भर में सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित है। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के एक साल बाद महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। महात्मा गांधी को सम्मान देते हुए इस मैदान का नाम कर दिया गया, यानी कि बांकीपुर मैदान का नाम बदलकर कर दिया गया गांधी मैदान, जो कि महात्मा गांधी को समर्पित है। तो चलिए मैं आपको इसका दृश्य दिखाता हूँ। All right.
Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. तो गांधी मैदान के बाद आप लोगों को लेकर जा रहा हूं मैं गोलघर, पटना का गोलघर। चलिए घूमते हैं गोलघर। Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all alone. Even though it's been unspoken so long. ये गोलघर का एंट्री गेट हुआ है। 10 रुपये शुल्क लगता है यहाँ आने का। और ये सामने जो देख रहे हैं ये गोलघर है। जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं आपको गोलघर घुमा रहा हूँ। तो देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह गोलघर है, यह बिहार राज्य के पटना जिले में पड़ता है। आप जैसे देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना जिले में स्थित स्तूप नुमा गोलघर एक अनाज भंडार गृह था। सन 1770 में आई भयंकर सूखे के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हुए थे। तब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने गोलघर का निर्माण करवाया था। गोलघर ढांचे का निर्माण 1784 से शुरू होकर 1786 में बनकर तैयार हुआ था। यह गोलघर ऊंचाई में 29 मीटर है और ये सीढ़ियां हैं चढ़ने के ऊपर, लेकिन यह सीढ़ियां डैमेज हो चुकी है इसलिए इसे बंद कर दिया गया है आम पब्लिकों के लिए। Just waiting for you to give it enough. I'm begging for you. Just waiting for you to show me your love. Show me your love, baby. Show me your love. 'Cause I wanna be certain. We don't need to be lonely. गोलघर का ये गार्डन है। यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं गार्डन्स हैं, यानी कि यहाँ भी देखिए आप गार्डन है और ये सब जितना भी है सब गार्डन है। यानी लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, यहाँ बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड्स को लेकर आते हैं, बॉयफ्रेंड्स को लेकर आते हैं, यानी फैमिली भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर एंजॉय करते हैं। अब देखिए बहुत बड़ा गार्डन है यह गोलघर का और यह गोलघर पड़ता है पटना में। यानी कि आप जब भी बिहार की राजधानी पटना आएँ तो गोलघर ज़रूर घूमें। शुल्क है मात्र 10 रुपये, यानी 10 रुपये में आप यहाँ एंट्री शुल्क है और 10 रुपये में आप यहाँ गोलघर घूम सकते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। यानी कि इस गोलघर में 1,40,000 टन अनाज इसमें भरा जाता था। ये छोटा सा स्टेडियम बना हुआ है, ये सीट है और ये बीच में ये छोटा सा गोलाकार मंच है। और मैं ले जाता हूँ आपको ऊपर से दिखाता हूँ गोलघर का दृश्य। I am perfect. I don't wanna be sorry. I don't wanna be sorry.
wanna think every night about how we've been so blind. Some say I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain. I don't wanna waste all our time. तो मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को दिखाइए, फैमिली को, दोस्तों को, सबको दिखाइए, और मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियोस पूरा देखिए। मैं आपको हमेशा, यानी कि मैं आपको बीच बीच में ट्रैवलिंग वीडियोस दिखाता रहूँगा, आपके लिए ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाता रहूँगा, तो इन्जॉय कीजिए मेरे ब्लॉग्स को। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गार्डन। यहाँ देखिए बच्चे जो हैं यहाँ झूला झूल रहे हैं, ये बच्चों का गार्डन है, मैं आपको गार्डन दिखा रहा हूँ। छोटा सा तालाब है यहाँ पर, पटना के बाद अब हम लोग अपने घर भागलपुर जिले के लिए रवाना हो रहे हैं। भागलपुर जिले में मेरा अपना घर पड़ता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए मेरे वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। I've been waiting patiently cause you my homie bro, but times is getting hard so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes. I might have to white you out just like you Colgate. You been ducking at the crib thinking that you safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down. I'ma turn your little smile into a big ol' frown. Cause evidently you don't wanna send a message now, and you holding to my money like you Oscar proud. I'ma find you, and I'ma get you. I'ma stick into your head just like I'm Cantu. It's a couple things in life I'll make amends to, but owing me some money, hell nah, this a no can do. 17. Give me my money. Yeah. Yeah. Give me my money. Yeah. Yeah, this is the end of the day. The guy is on the first time. I'm 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 on the first time. यात्रियों के लिए 0% का आरक्षण है। इसके साथ सवारी का यात्रा नंबर 0% है।